चेन्नई एक्सप्रेस का गाना जो शूट हुआ था ये वही जगह। ये देखिए जो गाड़ी जा, ये जो है कि पत्ते में से फोटो निकाला इन्होंने। तो हम लोग अभी सफारी पे जा रहे हैं हेलो ब्रदर्स करके, जो के हम वो ठंडा पानी है बर्फ जैसा, पैर धुल पड़े हैं। यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो, ये कोको है ना, इससे बनता है चॉकलेट। चॉकलेट बना। अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए व्यू दिखाता हूँ आपको। आज वो जो आप देख रहे हैं वहां पे, वो पूरा जो है टी गार्डन व्यू है पूरा। ये भी पूरा टी गार्डन व्यू है जो केरला का जो रेगुलर होता है, पूरा पूरा टी गार्डन व्यू है ये। हमारी बस खड़ी है, ये देखिए लिखा है नेस रिसोर्ट, यहाँ पे हम लोग रुके हैं और ये हमारे रिसोर्ट का व्यू है। तो चलिए अंदर का आपको नज़ारा दिखाता हूँ। ये रहा पूरा नेस रिसोर्ट, चलिए अंदर के नज़र आपको मैं दिखाता हूँ। ये रूम में नाजमिन लोग रुके हैं, वो रूम हमारा है। और चलिए अंदर का आपको ऊपर का भी व्यू दिखाता हूँ, पहले सीढ़ी चढ़ के जहाँ पे हमने ये देखिए ये पूरा फॉग जा रहा है। ये देखिए ये नज़ारा है, ये पूरा टी गार्डन व्यू है जैसे रूम के बाहर से मैंने बताया ये पूरा। और इस रूम में अम्मी अब्बा लोग रुके हैं, इनके रूम का भी बता। और ये देखिए नज़ारे ही कर रहा है, कहाँ के नज़ारे, यहाँ के नज़ारे, ये बालकनी व्यू है, पूरा फॉग जा रहा है आपको दिख रहा होगा। सुबह का नाश्ता यहाँ पे होने वाला है जैसे कि मैंने बताया बालकनी व्यू, और यहाँ पे नाश्ते के लिए उन लोग ने रखा है। अभी चलिए मेरे रूम की तरफ जा रहा हूँ मैं, जैसे कि मैंने बताया था 109, तो चलिए अंदर की तरफ चलते हैं। हानु और उसकी मम्मी, हानु जस्ट उठी है, ये उसकी मम्मी। हानु को व्यू बताओ जरा, धूप से मुंह छुपा रही हो, ठीक है चलो ओके। और ये ब्रेकफास्ट हमारा अभी घर में स्टार्ट करेंगे, बाकी लोग ऊपर कर रहे हैं। काफी अच्छा नजारा है, सुबह का 9 बज रहा है, धूप थोड़ी कड़क है। और ऊपर आप जो देख रहे हैं, देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये हाथ, ये गाड़िया जा रही है उधर पे, जहाँ पे मेरी उंगली है आप वहीं पे अगर आप ध्यान दोगे तो वो रास्ता है, वही रास्ते से हम लोगों को ऊपर जाना है। ये देखिए ये यहाँ पे जो देख रहे हैं ये सब, ये गाड़ी पास हो रही है, जो आप देख रहे हो यहाँ पे छोटी छोटी चीजें, वो सब गाड़ियां पास हो रही है वहाँ पे। काफी अच्छा नजारा है यहाँ का। और हानु फिलहाल व्यू एंजॉय कर रही है, ये देखिए हानु चलो कम नो बोलो कम गो 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 हानु पहचानी नहीं रही हानु पहचानी नहीं है, चश्मा निकाल रहा तो पहचान रही है। तो हम लोग अभी सफारी पे जा रहे हैं हेलो ब्रदर्स करके, जो के मुन्नार के जाते हुए रास्ते में है, ये उनका नंबर है। और ये हमारे प्रकाश भाई, तो प्रकाश भाई आप क्या कहाँ कहाँ घुमाएंगे हम लोगों को और क्या चार्जेस पड़ेगा आप बताएंगे प्लीज। ये मुन्नार इनसाइड पूरा घुमाएगा सर, जितना मोस्ट प्लेसेस है पूरा घुमाएगा। ओके इसका चार्जेस है 1 जीप का 4000 रुपीज। ओके ओके सर, आपको फर्स्ट में ऑफ रोड ले जाएगा। ओके जाने से आपको ओके मुन्नार इनसाइड का जितना भी स्पाइसेस का पेड़ पौधा फल फ्रूट सीड वगैरह बराबर है देखते हुए जाएगा, नो परचेज बराबर है। फिर आप जाएंगे रिपर वाटरफॉल्स। ओके फॉल्स में उतरने के लिए इसे हैंडरेल बनाए हुए, उसमें पकड़ के आप लोग नीचे जाएंगे, नीचे okay. फॉल्स आराम से एंजॉय करेंगे। ओके उसके बाद में आप जाएंगे हैंगिंग ब्रिज हैंगिंग ब्रिज में भी सेम प्रोसीजर, गाड़ी में घूम सकता है, फोटो खींच सकता है, वीडियो बना सकता है। ओके और एंजॉय कर सकता है। फिर आप जाएंगे पोनमुडी डैम। ओके फिर जाएंगे इको पॉइंट एंड शूटिंग लोकेशन एरिया, जैसे चेन्नई एक्सप्रेस वगैरह शूट किया उसके बराबर है। उसके बाद में सबसे लास्ट में आप जाएंगे नाडुयानी वी पॉइंट, ठीक है, और एक बिग माउंटेन है माउंटेन टॉप में से आप लोग मुन्नार का चारों तरफ का फुल ये व्यू देखा। अच्छा कोई आता है हमारा नाम लेके तो उसको डिस्काउंट दे देंगे आप, यासर शेख नाम से? जरूर जरूर ट्राई करना प्लीज, देखेंगे ट्राई करेंगे ठीक है। तो ये इनका नंबर रहा,
अगर आप लोगों को कभी मुन्नार आएंगे घूमना है तो ये नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए। सुनना एक पी कासल करके, दूसरा जो है पिकासो रिसोर्ट रूम्स करके, फिर ये नेस रिसोर्ट है जिसमें हम लोग रुके हैं, उसी के बस बगल में ही है ये। हेलो ब्रदर्स, उसी के बस बगल में ही है, तो आप आइए, यहाँ का व्यू भी अच्छा है। हम लोग तो यहीं पे रुके हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया वैली व्यू वगैरह है, और ये जीप सफारी के लिए हम लोग निकल रहे हैं। दो गाड़ी उन्होंने दिया है, नंबर एक ये नंबर दो, ये लोग रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। हानू भी रेडी हो चुकी है जीप सफारी के लिए, और हानू भी रेडी हो चुकी है जीप सफारी के लिए, मैं भी रेडी हूँ। गाइज, हमारा जीप सफारी जो है स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं ये मुन्नार की जो सिटी के अंदर है, अंदर अंदर हमको काफ़ी पॉइंट्स घुमाने वाले हैं ये लोग, और अलग से इसको जीप सफारी ही बोलते हैं। और काफ़ी यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अंदर जो पूरा कचरा आने वाला है, तो जिसको ऑफ रोडिंग बोलते हैं वो करने वाले हैं हम लोग। तो चलिए कैसा होता है आपको बताता हूँ। क्या ये प्लांट है? ब्लैक पेपर। अच्छा अच्छा, ये ब्लैक पेपर का प्लांट है पूरा, काली मिरी का प्लांट है ये। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कुछ प्लांटेशन का है। बीन के प्लांट से इधर ये इलायची के प्लांट, उसमें छोटी छोटी लगी रहती है। अच्छा, नीचे उतर के देखना पड़ेगा। कोको प्लांट है। काय का? कोको प्लांट है। कोको? हाँ, कोको, कोको का प्लांट। खुद की गाड़ी है तो लोग लेके आ रहे, खुद की गाड़ी लोग लेके आ रहे। पूरा जंगल है पूरा। यहाँ पे हम लोग की जो गाड़ी है एच पे है, यहाँ पे कोई डाउन जा रही है, पूरी गाड़ियाँ डाउन है। लगता है यहाँ जीप भी आती थी, कोई दूसरी गाड़ी होती तो शायद पॉसिबल नहीं होता। पूरी हिल है, पूरा हिल पे, तो पता नहीं किसका घर है क्या है, लेकिन हिल ऐसा लग रहा है कि कोई गांव का एकदम ऐसा नजारा। रोड ये जा रहा है और सामने वो घर, सामने वो घर, ये यहाँ से जाने का रास्ता एकदम। इधर भी जाने वाले, सामने पानी है, पूरा टर्न है। कैमरे में दिखे नहीं, आप वापिस ये टर्न सिंगल, ये पानी रहा तो सिंगल ब्रिज से, देखिए ट्रक आ रही है तो ब्रिज रुकी है, ये रहा पानी, ये पूरा रबर ट्री है, ये देखिए। और ये नाजुक लोग आ रहे हैं। हम लोग अभी एक वाटरफॉल देखने के लिए रुके हैं, तो वहाँ पे एंट्री लेते के साथ ये देखिए जिप लाइन है, मतलब एक सिरे से दूसरे सिरे पे जा सकते हैं आप लोग, ये जिप लाइन है, लटक के जाना होता है यहाँ पे, तो वही देख रहे हैं हम लोग। एक आदमी का 500 रुपया। तो यहाँ से चलिए नीचे अपने को जाना है, वो जो देख रहे हैं आप वाटरफॉल के लिए टिकट लेके, तो अभी वहाँ की तरफ बढ़ते हैं। 500 रुपया सामने हो गया, सामने जो दिख रहा पॉइंट वही है, जाएगा अभी आएगा 500 रुपया। वाटरफॉल जा रहे हैं, वाटरफॉल। हानू तो हानू है, उसके मोटू फॉल से शुरू कर रहे हैं। आवेश भाई भी कर रही, 11 लोग है। चलो चलो चलो, 10 मिनट का टाइम है। चलो ये यहाँ पे भी पॉइंट है।
हाय अनु, ओ उसको चला लो कम। हाय अनु सब्स, हाँ ना आ रही है तो ओन जाओ तुम मेरे पी फोटो। ये देखिए पहाड़ों में, वहां से वहां पे लंबा पैर रखो, आराम से स्लिप होता है। हाँ चप्पल निकाल के जाओ, एकदम मस्त है। देखिए पानी के मजे लेते हुए लोग बैठे हैं यहाँ पे भी उसके। नहीं, 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 नहीं। गो आनू गो। चलो चलो आनू। अब कितने चले गया? वो ठंडा पानी है, बर्फ जैसा पैर धुल पड़े। यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो आनू आनू इधर उधर गिर जाएंगे। यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो या मजा। कैसा था यासिर? वो ठंडा है, पैर सुन पड़ गया एकदम। चलो 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 जरा सेल्फी। ये इधर लोटस है, यहाँ से वाटरफॉल की शुरुआत हो चुकी है और अभी नीचे की तरफ भी वाटरफॉल है तो हम लोग वहीं पे जा रहे हैं। तो हमारी डेस्टिनेशन पे फाइनली आ गए हैं। फोटो भी ले लो ना, फोटो कर। मेरे तुम्हारे ये देखो दादू हानू को लेके जा रहे इतनी सीढ़ियां उतर के, और ये मेरी वाइफ विदाउट हानू के चार सीढ़ियां चढ़ के थक चुकी है। थक तो मैं भी गया हूँ, लेकिन देखो माशाल्लाह मेरे अब्बा लेके जा रहे हैं हानू को, हम लोगों को टेंशन नहीं। और ये लोग इधर खड़े, ये हानू को अब्बा ला रहे हैं। पूरा वाटरफॉल सामने, ये देखो पानी जा रहा है, पानी का वाटरफॉल दिखा के अब्बा हानू को अभी सीढ़ी चला रहे हैं। हानू कम चलो 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 चलो। बहुत थक गए हम लोग, अभी वाटरफॉल देख के आगे की तरफ जा रहे हैं। हानू भी थक गए। हानू वाटरफॉल देखो, श्री नारायण वाटर देखने के बाद अभी आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो वहाँ पे भी बताता हूँ कि हम लोग एक ब्रिज पे जाने वाले हैं। तो वो ब्रिज कैसा है? ये ब्रिज है, पूरा हैंगिंग ब्रिज बोलते हैं, और इस पे से ये देखिए जीप जा रही है। अंग्रेजों के टाइम का ब्रिज है, बराबर वही है। एक टाइम में एक गाड़ी, लोग इधर खड़े रह के फोटो वोटो निकालते हैं। तो अभी हम लोग भी जाएंगे यहाँ से। बाप रे वाटरफॉल ये देखिए। लोग इधर फोटो वोटो लेते। नहीं,
रूल है वो फॉलो करने पड़ेंगे अपने को। स्टेशन के पास खड़े मत रहो। ओए बाप रे, नीचे से ले, नीचे से। ये कोको है ना, इससे बनता है चॉकलेट? चॉकलेट बनाता है। अच्छा, और ये खुला हुआ कोको? हाँ, ये खुला हुआ कोको। वन पीस चाहिए? वन पीस पार्सल चाहिए? पार्सल लेके जाने का क्या? वन पीस नहीं, ठंडे प्रॉब्लम है। लेमन ग्रास है? लेमन ग्रास है। बताओ बताओ बताओ। ये भी तुम रख लो, ये चाय की पत्ती में लाके डालती चाय। हाँ, लेमन ग्रास मस्त, अच्छी चाय फ्लेवर आता। अच्छा, उसके अंदर जो बीज है इससे ही कॉफी बनती है और कोको पाउडर बनता है इसके अंदर, इसको चूस के फेंक देने का है ऐसा है। यहाँ पे ये जो डैम है, ठीक है, ये डैम पे जो मैं कश्मीर तू कन्याकुमारी चेन्नई एक्सप्रेस का गाना जो शूट हुआ था, ये वही जगह। ये देखिए जो गाड़ी जा रही है ये वही जगह है, और हम लोग भी यहाँ पे जाने वाले हैं, लेकिन यहाँ से टॉप व्यू मैं ले रहा हूँ आपको बताने के लिए। ये देखिए, और वो सामने जो आप देख रहे हैं वो ट्रक आ रही है, आप देखो छोटी सी ट्रक दिख रही है आपको कैमरे में, तो वहां पे भी हम लोग जाने वाले हैं। तो चलिए आगे का मंजर आपको बताता हूँ मैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ नीचे की तरफ, नीचे जो पूरा पूरा डे में पानी है, और इस जहाँ पे मैं अभी उतर रहा हूँ इसको इको पॉइंट बोलते हैं, तो आवाज टकरा के वापस रिटर्न आती है ऐसा बोलते हैं यहाँ पे। तो चलिए जाके देखते हैं क्या है इधर। अभी नाजमीन चिल्ला लोग लोग नहीं आ रहे, नहीं वो लोग नहीं आ रहे, वो लोग बोले बोटिंग भी है, इधर नहीं हो रहा है, इधर 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 ट्रैवल कर रही है वो। तुम बोलो। हाँ भैया, इधर ट्रैवल कर रही है, उधर ट्रैवल नहीं कर रही आवाज। हस्बैंड, इतना थक गए हैं हम लोग, क्या भी है, नारियल पानी के लिए रुके हैं इको पॉइंट पे। ये नाजमीन लोग आ रहे हैं, और ये पतली मलाई का नारियल पानी रेडी है। नारियल पानी पिएगा? ले लो, ले लो एक और। ये क्या हानिया का पानी पी रहे हो? मीठा है यहाँ का, ऐसी सही है। तो ये देखिए, ये केरला के स्पेशल रेड केले, जो कि सिर्फ केरला में ही मिलते हैं, और इनका टेस्ट काफी अच्छा होता है खाने के लिए, एक बार जरूर आप ट्राई कीजिए। हमारे ड्राइवर भाई साहब है, गाइड कर रहे हैं, और ये देखिए, ये जो है कि पत्ते में से फोटो निकाला इन्होंने, ये देखिए, तो जहाँ पे कैमरा है वहाँ पे फोटो निकाला, आइडिया दिया उन्होंने, अलग अलग फोटोग्राफी के ये लोग आइडिया दे रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये लोग फोटो ले रहे हैं। चलो हम लोग अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं। वो हमारे दूसरे ड्राइवर भाई है, वो भी फोटोग्राफर ही है समझ लो। ये देखो, इन्होंने भी पत्ता वापिस बना चुके हैं, इन्होंने पत्ता बना चुके हैं, अभी अब्दुल्ला की वही पत्ते में फोटो लेंगे वो। ये देखिए, ये अब्दुल्ला खड़ा है इधर, और ये पत्ते में फोटो ले रहे हैं। ये देखो, ये भी ले रहे हैं। ये देखिए, ये अब्दुल्ला यहाँ खड़ा है। नहीं नहीं, आप अकेला लो, अकेला लो, सिंगल 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 सिंगल। नहीं, आप बराबर नहीं निकाले। ये देखो, ले लिया फोटो, बताओ इफेक्ट बताओ। हाँ, ये देखो, ये इफेक्ट आया है। ये सिंगल ब्रिज है यहाँ पे, तो सिंगल ब्रिज है, तो एक गाड़ी आई तो दूसरी गाड़ी रुक जाती है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था, ठीक है। ये वो डैम है जिसपे अभी हम लोग जा रहे हैं, ये डैम रुका हुआ है, ये दूसरा डैम रुका, दूसरा डैम है इधर, ठीक है। पूरा पहाड़ी इलाका,
चेन्नई एक्सप्रेस का, ये रहा वो ब्रिज जो ऊपर से मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए यहाँ पे ये पूरा पानी है, ये देखिए ये बोटिंग भी हो रहा है यहाँ पे, टाइटेनिक ऐसा बोलते हैं, पोज निकालते हैं इधर। और ये डैम है, वो इको पॉइंट वहाँ पे हम लोग थे, वहाँ से मैंने आपको दिखाया था पूरा व्यू। और ये यहाँ का व्यू है, और ये रील्स बनना चालू है यहाँ पे, फोटो वोटो निकाल रहे, रील्स बना रहे ऐसा है। ये नाजबिन कोको खा रही है, लगे है। और ये अदनान लोग है। अभी हम लोग चलते हैं आगे की तरफ, आपको आगे का बताता हूँ। काफी अच्छा व्यू है यहाँ का। चलो तो अभी हो गया फोटोशूट, अभी आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए ये पूरा डीप है यहाँ पे, ज्यादा आगे नहीं है, पूरा पूरा जो है कि पिसलन बड़ा रास्ता है। तो सामने मुझे नारियल के ट्री दिख रहे हैं सब ये, और ये पूरा मुन्नर का इलाका है, पूरा मुन्नर है ये। और ये देखिए पूरा मुन्नर कैसा पहाड़ों में बसा हुआ है, ये रहा मुन्नर पूरा। और इस तरफ से सनसेट होता है, सूरज डूबता है, और इस तरफ से सूरज निकलता है, तो ये भी पॉइंट बताता हूँ मैं आपको। और इसको ये लोग माउंटेन टॉप व्यू बोलते हैं, तो चलिए आ जाइए। तो ये पूरा टॉप व्यू है, सनराइज व्यू पॉइंट है, और सामने पूरा पूरा फॉग दिख रहा है वहाँ पे। यहाँ पे कुछ दुकानें हैं, छोटी सी सब दुकानें हैं, और यहाँ से भी ये आइसक्रीम की दुकान गाड़ी में ही। और इधर की एक चीज है, यहाँ पे मोनोपोली है, खाली जीप वाली लेके आएंगे ये जीप वाले, अदरवाइज कोई टूरिस्ट वाला आपको आता हुआ नहीं दिखेगा, ये तो प्राइवेट गाड़ी है, ठीक है। और सामने ये देखिए, यहाँ पे लोग जाके फोटो वोटो ले रहे हैं, और कैमरे में नहीं आएगा, लेकिन वहां पे जहां मैं आपको उंगली दिखा रहा हूँ वहां पे झरना है, ठीक है, लोग वहां पे जाके फोटो निकाल रहे हैं, लोग उधर खड़े हैं ऐसा है, ये देखिए। तो आएंगे तो प्लीज अगर ऐसी जीप कीजिए जो मैंने नंबर बताया उससे, ठीक है, और उसी जीप वाले से आप लोग जो है कि डील कीजिए, क्योंकि उसने हमको काफी अच्छी डील दिया है। उसने 4,000 रुपया बोला है, लेकिन उसने 4,000 रुपया बोला था जीप का, लेकिन 4,000 में तो हमने लिया नहीं, हमने दो गाड़ी किया है। उसने हमसे 6,500 रुपया लिया है दो गाड़ी का, तो काफ़ी वर्थ लगा क्योंकि लोग तो अभी हमारे सब टूर ख़त्म हो चुके हैं, और अभी हम लोग जो है कि घर की तरफ ही जा रहे हैं। घर की तरफ जाने में कुछ जो प्लांट आई है वो हमको हमारे ड्राइवर अभी बताने वाले हैं, तो चलिए क्या क्या प्लांट आते हैं आपको बताता हूँ। कॉफी, दिस इज कॉफी, ब्राउन कॉफी, कॉफी सीड्स, ओके। ट्री अंकल, मैंगो, मैंगो, मैंगो ट्री, ये वाला ना, ओ हो हो, मैंगो ट्री। जीप का डेजर्ट सफारी का सफर अभी खत्म होने पे है, मुन्नर का सफर स्टार्ट करेंगे अभी हम लोग, मुन्नर का। तो मुन्नर के सफर में कहाँ कहाँ घूमे वो अभी बताऊंगा आपको मैं। तो बड़ी बात है, ये रही वो रिक्शा, हम लोग आए थे ये रास्ते से, जा रहे दूसरे रास्ते से, आपने घुमाया, फोटो भी अच्छा लेते हैं, अच्छे फोटोग्राफर है अभी। प्लीज आप आएंगे तो प्लीज इनके पास ही मेरे हिसाब से जीप सफारी लीजिए, हमें थोड़ा आराम किया जाए जाके चाबी लेके। तो ये रहा इनका हेलो ब्रदर्स का प्रकाश जी का कार्ड, तो आप आएंगे तो प्लीज इनके पास जरूर विजिट कीजिए, सस्ते में और अच्छे में आपका काम हो जाएगा यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच प्रकाश जी, थैंक यू। तो इस वक्त मैं आ चुका हूँ रूम पे, यहाँ पे अभी जोहर की नमाज पढ़ूंगा,
और जोहर की नमाज पढ़ के आगे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। तो फिलहाल यहाँ पे बैठ के इंजॉय कर रहा हूँ और 1:15 का टाइम है, तो नमाज पढ़ के आगे बढ़ते हैं और मुन्नर में ही खाना खाएंगे। मुन्नर का सफर अभी तक शुरू नहीं हुआ है, आज पूरा आधा दिन में मुन्नर कवर करना है हम लोगों को। सो गाइस, मुन्नर टूर का वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, मुन्नर टूर का वीडियो आप जरूर देखिए। ये जीप सफारी का वीडियो था जो कि मुन्नर में ही हमने किया है। मिलता हूँ ऐसी अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना।